जिला बलरामपुर उतरोला के गरीब का उजड़ गया आशियाना। रहने को मजबूर और मजबूरियों के दौरान बढ़ने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर बनाई गई एक कहावत, कहा गया कि गरीबी में आटा गीला होना। उतरोला में एक परिवार के साथ शुक्रवार को चरितार्थ हो गई। वे पहले से ही परेशानी से गुजर रहे थे, ऊपर से उनका आशियाना भी उजड़ गया। ऐसे में ये कहावत पूर्ण रूप से इस परिवार पर फिट हो गई। उतरोला के मोहल्ला पटेल नगर वार्ड नंबर 24 में स्थित आस मोहम्मद का मकान भर भरा कर गिर गया। घटना शुक्रवार सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। घटना के समय पूरा परिवार घर में सो रहा था। गनीमत यह रही कि घटना में पूरा परिवार सुरक्षित बच गया। सिर्फ आस मोहम्मद के 12 वर्षीय लड़के को मामूली चोट आई। आस मोहम्मद के परिवार में पत्नी व उसके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहनत मजदूरी करके आस मोहम्मद अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गारे ईंट की दीवारें पर रखे टीन टप्पर के छोटे छोटे कमरे के मकान में पूरा परिवार राहत गुजर बसर करता है। जिस गारा ईंट के दीवार पर रखे टीन शेड वाले कमरे में 26 जनवरी की सुबह 5 बजे जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी मकान का उत्तरी दीवार अचानक भरा भर कर गिर गया। गनीमत यह रही कि दीवार बाहर की तरफ गिरी, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। आमिर भाई का बड़ा सहयोग है इसमें, तो बेचारे बहुत परेशान है कि किसी हिसाब से इनका हो जाए। नहीं, उच्च अधिकारियों तक अभी शायद खबर नहीं पहुंच पाई है, तो वो आएंगे भाई। इनकी जो भी सहायता हो, उच्च अधिकारियों तक ये हमारा विनम्र निवेदन है कि इनको पहुंचाया जाए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग जो हो सकता है कर रहे हैं। इनके रहने के लिए थोड़ा बहुत इंतजाम कर दिया। हाथ पैर इनका देख रहे हैं आप, किस कंडीशन में है। ठिठुर रहे हैं ठंडक में। ऐसे में इनकी हर संभव मदद होनी चाहिए। आपका सुन नाम क्या बोलेगा जी? आमिर कहते मुझे। आप कोई बच्चे हैं क्या? जी हम सहायक, मैं प्रधानाध्यापक हूँ। आज संडे है और जिस दिन ये घटना घटित हुई रात में वो हमको सूचना मिली, हम आए हैं। हम ये यहीं के निवासी हैं जी, और गरीब परिवार की जो भी सहायता हो सकती है वो हम लोगों ने किया। ये हम लोगों का दायित्व भी बनता है। कोई सरकारी सहायता के लिए आश्वासन दिया अभी तक कि नहीं? अभी कोई कुछ नहीं मिला। लेखपाल भी नहीं है? कोई नहीं। अच्छा अच्छा